सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में साफ कहा, अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, दरगाह हो या मंदिर, ये जनता की राह में बाधा नहीं बन सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में ये भी कहा कि संपत्ति ध्वस्त किए जाने का अधिकार ये नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति आरोपी या दोषी है। जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं बॉम्बे में था तब मैंने खुद एक फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। हम अदालतों को ये निर्देश देंगे कि कब अतिक्रमण के मामले में सुनवाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखे। हुई उसमें सरकार का भी पक्ष रखा गया और जो पिटिशनर लोग थे उनको भी सुना गया और कोर्ट ने सबकी गाइडलाइंस को कंसीडर किया है और गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। और एंटेरी मार्डर जो डेमोलिशन पे था कि रोड और रेलवे या कोई गवर्नमेंट लाइन को छोड़ के इंक्रोचमेंट जो था उसको आप नहीं हटा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, वो इंटरिमेंट ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर और गाइडलाइंस के लिए जजमेंट इधर हो गया। आज आप लोगों ने क्या मुद्दा उठाया था, ये मामला आया कैसे यार कोर्ट में, क्या हुआ? हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो FIR होने के बाद बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए डेमोलिशन हो रहा था बगैर नोटिस दिए हुए और बगैर लॉ को फॉलो किए हुए, उस चीज को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। हमारा मेन कंसर्न वही था कि जो लॉ है आप लॉ को फॉलो करिए और लोगों को सुनवाई का मौका दीजिए, फिर डेमोलिशन की कार्रवाई करिए। तो उसको कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से आज लिया है और बोला है कि उस पर हम कोई टाइम फ्रेम की गाइडलाइन फ्रेम करेंगे। क्या ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो दिशा निर्देश तय करेगा उनमें जो बुलडोजर एक्शन है उसकी प्रक्रिया भी तय करेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि बगैर लॉ को फॉलो करते हुए एज ए पिन्यूटी हो किसी को बदले की भावना से या सबक सिखाने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल केस में उसको सजा हो जाए, तो आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते अगर लॉ परमिट नहीं करता है। टूडे आफ्टर डिटेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट हैज रेंडर्ड द जजमेंट फॉर फ्रेमिंग ऑफ गाइडलाइन इन बुलडोजर जस्टिस मैटर डेमोलिशन इलीगल डेमोलिशन मैटर एंड वी हैव कम इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ इलीगल इंक्रोचमेंट टू बी रिमूव्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ द FIR अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन्स विदाउट हियरिंग द कंसर्न पर्सन्स। सो वी आर एग्रीड बाई दैट एंड वी हैव रेज द इशू कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट शुड हैव फॉलो फ्रेम द गाइडलाइंस टाइम फ्रेम गाइडलाइन टू बी फॉलोड ऑल अक्रॉस द पैन इंडिया एंड वट एवर द लॉ इज परमिसिबल दे शुड बी गिवन सम टाइम फ्रेम टू फाइल अपील एक्सेट्रा एंड सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द इंटरिम ऑर्डर ग्रांटेड ऑन 17 September टिल फर्दर ऑर्डर। आज सुप्रीम कोर्ट बहुत डिटेल हियरिंग और सारी कंसर्न पार्टीज को सुनने के बाद बुलडोजर एक्शन मैटर में जजमेंट रिजर्व किया है गाइडलाइंस को फ्रेम करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर 17 सितंबर को ग्रांट किया था उसको फर्दर टिल फर्दर ऑर्डर एक्सटेंड कर दिया है। और यहाँ पे जो पिटिशनर थी, जो पिटिशन थी वो इस इशू को लेके थी कि जहाँ पे क्रिमिनल एक्शन किसी के खिलाफ होता है, FIR होती है, तो उसका घर जो है अगले दिन डिमोलिश किया कर दिया जाता है एक बदले की भावना से। तो उसको इशू को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को सीरियसली लिया और एक डिटेल हियरिंग करने के बाद एक गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए जजमेंट रिजर्व कर लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस करेगा।